हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग द शॉर्ट सम्स। ये शॉर्ट सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स के सम्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वीडियोस होंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन इधर आपको बोर्ड पे लिख के सॉल्व करवाऊंगा, तो आपके लिए भी समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है? ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफी अच्छी तरीके से समझना है आपको। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द इलस्ट्रेशन नंबर 24। नाउ द प्राइस ऑफ वीट वॉज 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014। सी, 2 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना, फिर 30 सेकेंड में पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो वो ध्यान रखना के द प्राइस ऑफ वीट वॉज 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014 एंड इट वॉज 1800 पर क्विंटल इन द ईयर 2015। मतलब प्राइस ऑफ 2014 दैट इज 1600, तो ये क्या है हमारा P0। प्राइस ऑफ 2015 That is 1800. That is वो क्या है हमारा P1। फाइंड क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है, तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिंपल क्या बोला है, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ वीट फॉर द ईयर 2015 विद कंपेयर टू 2014। तो नॉर्मल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये फॉर्मूला है हमारी, तो 1800 अपॉन 1600 इंटू 100। ओके, सो 1800 अपॉन 1600 इंटू 100 दैट इज 112.5। ये आपका 2 मार्क का सम कंप्लीट हो गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट सम के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सम, द लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8/9 ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है, IL is 8/9 of Fisher index number, मतलब last year जो है ये 8/9 है Fisher index number का। If the Fisher index number is 180, मतलब IS कितना है 180, तो हमें IL मिल सकता है, yes, 8/9 × 180, तो आंसर क्या मिला हमें 160। ये डिवाइड करके आंसर ला दो तो 160 मिला हमें। फाइंड क्या करना है, पार्शियल इंडेक्स नंबर। अभी IF is equal to root IL into IP, IF क्या है 180, root IL क्या है 160 into IP, ठीक है? ये यहां पे अटक गए हम लोग, तो क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो 180 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 का स्क्वेयर। एक स्टेप लिख देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, 160 इंटू आईपी। सी, स्क्वायर रूट हो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है? ये स्क्वायर रूट को हटाना है क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, अंदर की चीज फाइंड करना है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 180 का स्क्वायर क्या होगा 32,400 और ये 160 अपॉन में आ गया दैट इज आईपी। सो नाउ IP is equal to 32,400 divided by 160, that is 202.5। ये आपका second 2 marker sum complete। Okay, clear? Okay, so next sum is the production of an item in the year 2015 has increased by 3 times the production of the base year। Base year हमें बोला नहीं तो वो matter नहीं करता, अगर base year बोलती बेस ईयर भी देते करंट ईयर भी देते तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 आ जाता, बट इधर हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया गया है कि इंक्रीज बाय 3 times, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015। तो प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर, ये सब एमसीक्यू के लिए आ सकता है, एमसीक्यू के में पूछ सकते बोलो, या 1 मार्कर के लिए भी पूछ सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2015, देखो इधर क्वेश्चन में क्या है पता नहीं चल रहा सर, तो एक चीज समझो, द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम फॉर द ईयर 2015 इज इंक्रीज बाय 3 times। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक सम करवाया था कि इंक्रीज और टाइम्स हो तो पहले क्या करना है, टाइम्स, तो 3 × 100 दैट इज 300, और इंक्रीज बोला हो तो इंक्रीज में क्या करना है, +100, यस +100 दैट इज 400, दिस इज योर
आंसर बस ये एमसीक्यू में या वन लाइनर में पूछे तो ये मेथड दिखाना कंपलसरी है। एमसीक्यू में पूछे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ओके ये सम आपका हो गया 2 मार्कर का या 1 मार्कर के लिए या एमसीक्यू के लिए इसको भी आएगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट सम दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सम 2 मार्कर अगर पूछ जाए तो जलसा। ओके कैसे इफ सिग्मा P1Q0 इज टू सिग्मा P0Q0 इज 3:2 एंड सिग्मा P1Q1 इज टू सिग्मा P0Q1 इज टू 5:2 इज इक्वल टू 5:3 फाइंड IL IP IL। तो देखो P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू इधर अपॉन में लिया इस टू में था इसलिए अपॉन में लिया तो इधर इसको भी 3/2 सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इज इक्वल टू 5/3 ठीक है अपॉन में आ गया। नाउ IL इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100 तो P1Q0 अपॉन P0Q0 क्या है 3/2 इंटू 100 तो ये 150 आया। ओके नाउ IP सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100 5/3 इंटू 100 तो 5/3 इंटू 100 दैट इज 166.67। अभी IF रूट IL इंटू IP IL क्या है हमारा 150 इंटू 166.67 ठीक है ये तो आता ही हमें 150 इंटू 166.6 150 इंटू 166.67 उसका स्क्वायर रूट तो 158.12 ठीक है ये 2 मार्क्स के लिए पूछ जाए तो मजा आ जाएगा। ओके ओके तो दिस सम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ 2 मार्कर्स तो ध्यान रखना इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 इज 14,400 मतलब 2014 में कोई एक मिडिल क्लास फैमिली की एवरेज डिस्पोजिबल इनकम नॉर्मल एक इनकम है एवरेज इनकम है डिस्पोजिबल इनकम मतलब जो इनकम एक्स्ट्रा इनकम है तो वो 14,400 है। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 इज 115 ओके तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो हम लोग फाइंड करते हैं इसमें दे दिया डायरेक्टली वो 2015 में 115 है। ओके एज कंपेयर टू 2014 ठीक है पूरा क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं समझ लेना द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 इज 14,400 मतलब 2 ईयर दिए गए हमारे पास कौन से 2 ईयर है 2014 एंड 2015 सी मैं जिस हिसाब से सम करवा रहा हूं ना वो मेथड से टेक्स्ट बुक में नहीं दिया थोड़ी अलग मेथड है लेकिन मेरी लेकिन आंसर डेफिनेटली गारंटी से आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके कि द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 इज 14,000 तो एवरेज डिस्पोजिबल इनकम कौन से ईयर का बोला है 2014 का तो 14,400 ओके क्लियर इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर इज 115 मतलब 2014 का 115 नहीं है 2015 का 115 है तो बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा ऑलवेज हम लोग बेस ईयर को ऑलवेज क्या लेते हैं 100 तो इधर भी 100 होगा। नाउ देन एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिलीज फॉर द ईयर 2015 मतलब हमें क्या फाइंड करना है ये फाइंड करना है तो सिंपल वे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये डिविजन में चला जाएगा 14,400 इंटू 115 अपॉन 100 ओके क्लियर अभी इसमें 14,400 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 16,560
ठीक है, ये पूरे सम का मतलब क्या हुआ समझ लो कि 2014 में इतना था, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 से 115 हो गया, तो ये 14,000 से कितना होगा, तो हमारा आंसर है 16,560 रुपीस। ये रुपीस की साइन करना मत भूलना, बिकॉज इधर भी रुपीस दिया हुआ है 14,400 में, तो आंसर भी 4 रुपीस में आएगा, वरना 0.5 कट जाएगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ओके, सो जो एक सम अभी किया है उसके रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अप है। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज 100, तो हमें बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है, दो ईयर दिए हुए हमें, क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया, 14-15 ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन बेस ईयर करंट ईयर बोला है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेस ईयर का कितना होगा, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, तो 100 कितना हुआ बेस ईयर का हुआ और करंट ईयर का 180। ओके क्लियर, इफ द एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर्स, तो एवरेज इनकम दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 6,000 to 9,000, मतलब बेस ईयर का ऑलवेज कम होगा, तो 6,000 to 9,000, हमने आगे भी किया हुआ है कि 5,000 to 8,000, तो 5,000 बेस ईयर का था और 8,000 करंट ईयर का, सेम लॉजिक ओवर हियर। अभी इज देयर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन परचेज इनकम, अभी तो सब कुछ दिया हुआ है, पिछले सम में क्या था, हमारा एवरेज इनकम मिसिंग था, ये तो दिया हुआ है, एज्यूम के ये मिसिंग है, ये भूल जाओ, 9,000 नहीं है भूल जाओ, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6,000 into 180 upon 100, ठीक है, तो 6,000 into 180 upon 100 दैट इज 10,800 रुपीस। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से कितना होना चाहिए, 10,800, बट हमारा एक्चुअल इनकम कितनी है, 9,000, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझ लेना, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से ये 6,000 है, तो करंट ईयर का कितना होना चाहिए, ये मिसिंग है समझ लो, तो 10,800, बट हमारी एक्चुअल इनकम कितनी है, 9,000, सो तो हुआ क्या, परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज या डिक्रीज, हमारी एक्चुअल कितनी है, 9,000, पर होना कितना चाहिए, 10,900, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कैसे हुआ, देखो आपकी आपने एंटीसिपेट किया था कि 80% आएंगे, बट आपके 11th के रिजल्ट के हिसाब से कंपैरिजन करें तो आया कितना, 75, तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ओके, तो परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज बाय 10,800 माइनस 9,000, तो रुपीज कितना हुआ, 1,800, परचेजिंग पावर कितना रिड्यूस हुआ, 1,800 का, 10,800 आपका एक्चुअल होना चाहिए, पर होना चाहिए, बट एक्चुअल आया कितना, 9,000, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इट शुड बी 10,800, बट एक्चुअल इनकम कितनी है आपकी, 9,000 की, तो 1,800 आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, इतना याद रखना, इधर जो अमाउंट दियो इससे बड़ा हो तो डिक्रीज, इससे छोटा हो तो इंक्रीज। ओके क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते, और शॉर्ट सम से, लेकिन मैंने 6 करवा दिए, यही बहुत है, और आगे थोड़े शॉर्ट सम से वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके थैंक यू।